गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हमारा सोफे का काम आगे बढ़ चुका है, मतलब स्टार्ट हो गया होना। तो आप तुम जितना वीडियो बने रहिए। तो यहाँ पे सोफे पे कवर लग गया है, मतलब अधूरा है। अभी वो लोग खाना खाने गए हैं और करीब 1:20 हो चुका है, तो कुछ इस तरह से है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगी आराम से वो जो बेडशीट बिछाया हुआ है, ब्लैंकेट, वो है हमारे शादी का सोफ़ा, जो कि मेरा बहुत मन था कि मैं एक अच्छा है भी सोफ़ा लूँ। होता है ना, सबका ही मन करता है, तो मेरा भी इसी तरह से कुछ मन है। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा था जब मैं थोड़ा घर का कुछ रिनोवेशन करवाऊँगी उस समय मैं सारी चीज़ों को करवाऊँगी, क्योंकि सोफ़ा मैं पहले बनवा लेती तो घर में काम की वजह से फिर ख़राब होने का डर था। डर क्या था, होता ही ख़राब, कितना कितना भी कोई ढक लो ना तो होता है। और मैंने इससे पहले, मतलब 2-3 साल पहले आई थिंक, मैं गई हुई थी रेडीमेड देखने के लिए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और समझ में भी ठीक है आता है, ऐसा नहीं कि रेडीमेड पसंद नहीं आता, पर उसमें वही है ना कि क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्वालिटी है, और प्राइस भी ज़्यादा ही जाता है हमारे ख्याल से। और अब घर पे करवाते हैं तो थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, और लेकिन काम अच्छा होता है, आपको एक लंबे टाइम तक मतलब फुर्सत मिल जाता है। रेडीमेड में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, तो हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेडीमेड से या मतलब बनवाने में, पर मेरे हस्बैंड को बहुत फ़र्क पड़ता है, उन्हें नहीं पसंद है मतलब रेडीमेड चीज़ें। और सही अगर देखा जाना तो आई थिंक सही ही है कि पता नहीं क्या चीज़ें इस्तेमाल करते वो लोग अंदर, तो खुद ही अगर बनवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी शादी का सोफ़ा जो उधर है वो पूरा एकदम उड का है, पेवर उड, काफ़ी मजबूत, अभी कुछ भी उसमें कहीं से कुछ नहीं हुआ है। और उसको अगर मैंने सोचा है कि इसका थोड़ा कपड़ा चेंज करवाऊँ, क्योंकि अभी काम के वजह से ना सारे जो हैं कपड़े गंदे हो गए हैं, तो सोच रही हूँ करवाने के लिए। फ़िलहाल मैं उसे प्रिंट वाला कपड़ा लेना चाह रही हूँ, फ्लावर प्रिंट या कोई भी, पर यहाँ भी वो मिल नहीं पा रहा, तो मैं बाद में उसको देखूँगी या फिर जैसा होगा। तो फ्रेंड यही है, अभी सोफे का काम चल रहा है, तो आगे जब सोफ़ा कंप्लीट जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे पूरा इसका लुक। तो मेरा सोफ़ा बनके रेडी हो गया है, जो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, ताकि मैं बिल्कुल मेंटेन कर लूँ। अभी तो ऐसे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको देख देख के रिव्यू ले रही हूँ कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो वैसे मुझे ग्रीन कलर का ही सोफ़ा काफ़ी टाइम से मेरे विश लिस्ट में था, तो मैंने बनवाया है। और ये वाली डिज़ाइन थी, बहुत ज़्यादा जो सिलाई वाली डिज़ाइन होती है ना, पतली पतली, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है। तो ठीक है, वो भी अच्छा लगता है, पर मुझे यहाँ पे ग्लू लगा दिया। फिलहाल मुझे कुछ ऐसा मतलब यही कलर चाहिए था, इसलिए मैंने अपने माइंड को बिल्कुल चेंज नहीं किया। मैं यहाँ पे ग्लू लग गया सोफे को, थोड़ा सा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो एक कलर अच्छा लग रहा है। ये जो सोफे कपड़ा है ना, काफ़ी अच्छा 3D लुक है इसमें, जब रोशनी की किरण, सॉरी रोशनी जब जैसी मतलब पड़ेगी इस पर ना, इसका कलर थोड़ा सा लाइट और डार्क दिखेगा। तो हैप्पी हूँ पर थोड़ा सा इस बात को लेके, क्योंकि जो सोफ़ा मुझे जिस तरीके को मतलब मुझे एकदम से बनवाना था, जिससे मेरा था, वो नहीं बन पाया एकदम से। वैसे डिजाइन और कंफर्टेबल तो सब कुछ ठीक है, पर जिस तरह से मैंने कुछ होता ना आपका ड्रीम आपने सोच के रखा रहता है, उस तरह से नहीं बन पाया। उसका रीज़न ये था कि कारपेंटर जो है ये सोफ़ा जो बनाया अलग से बनाया, तो इस वजह से ना वो थोड़ा और मतलब इसकी जो बैठने वाली है ना, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी और थी, उसमें बिल्कुल कोजी कोजी वाला फीलिंग, एकदम पैर उठा के बैठ सकते, इसमें भी बैठ सकते बिल्कुल, ये भी एकदम बिल्कुल ही कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मैंने देखा था वो ऐसा नहीं बना, क्योंकि उसका बेस उस तरह से बना नहीं था, पर इसके साथ में आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और गाइज आपको बता दें, आपकी जानकारी
के लिए कि अगर आप लोग कभी भी सोफ़ा बनवाते हैं ना, तो मेरा राय है कि आप जो सोफ़ा बनाते हैं ना, स्पेशली सोफ़ा बनाने वाले उन्हीं से बनवाइए, मतलब अलग अलग कारपेंटर से, ऐसे किसी से मत बनवाइए। क्योंकि जो सोफ़ा बनाता है ना, उसको सोफ़े के बारे में सारी जानकारी होती है कि उसका जो बेस है किस तरह से बनाना है, या किस तरह से आपको सोफ़ा चाहिए। क्योंकि सोफ़ा भी या कुछ भी हुआ अलग अलग तरीके का होता है, किसको कितना कंफर्टेबल चाहिए, कितना किसको चौड़ा चाहिए, किस तरह का सोफ़ा बनवाना है, उसी तरह का वो टेक्चर बनाते हैं। तो हो गया, मुझसे थोड़ी सी उस लेवल का नहीं बना, तो थोड़ा उसी वजह से है, लेकिन उतना नहीं, इतना इसको देखने के बाद तो वो भी भूल ही गया है, क्योंकि इन भैया ने भी अच्छा काम करके दिया। तो ये सोफ़ा वाले हैं, जहाँ से कपड़ा आया सोफ़ा का, तो वहाँ पे हमारा बात हो रहा था, तो उन्होंने बोला मैं भेज दूँगा, हैं बहुत अच्छे, तो काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक लोकल सोफ़ा वाले भी हमने तय किया था बनवाने के लिए, पर हमने उसको भी रिस्क ना लेते हुए छोड़ दिया, कि हम सोचे अगर बेस उसका पहले से डिस्टर्ब हो गया, अगर फिर और रिस्क लेंगे तो हो जाता है। जैसे जानकारी मुझे भी नहीं थी इस चीज़ की, तो इसलिए मैंने सोचा आप सबको बता दूं, ताकि आप लोग भी कभी भी सोफ़ा बनवाएं, तो सोफ़ा जो बनाता है, स्पेशली जो सोफ़ा बनाता है ना, उसी से बनवाएं, ना कि कोई बेड वाला हो, या किचन बनाता हो, या किसी भी प्रकार का सोफ़ा वाले से ही बनवाएं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग हैं ही समझदार, समझ जाएंगे, देख लीजिएगा अपने तरीके से, पर मेरा ऐसा मानना है। तो सोफ़ा तो कंप्लीट हो गया, और इसका भी कुशन भी बनना है, तो ये कुशन भी बन के आया नहीं है अभी, वो लोग बना के सोफ़ा कंप्लीट करके गए हैं, क्योंकि मशीन उसकी हैवी होती है, तो वो फैक्ट्री से ही जहाँ पे बनता है ना, तो वहाँ से भी ये सिलाई करके लेकर आ रहे हैं, फिर ये ज्वाइंट कर रहे। थोड़ा सा वो भैया नाराज़ भी हो रहे थे कि मैंने आपका काम तो कर दिया, थोड़ा सा होता है लोगों का रिस्पेक्ट या बात व्यवहार, उसी हिसाब से मैंने आपका काम तो कर दिया, पर मैं आगे कभी भी किसी का भी घर पे जाके काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि घर पे जाके दिक्कत हो जाती है ना, मशीनें इतनी हैवी होती हैं, फिर थोड़ी सी भी अगर लूज पड़ गई सिलाई, तो फिर उसे इनको फैक्ट्री में अपने, मतलब जहाँ से काम करते, फिर से वहाँ पर इनको जाना पड़ता है। मेरा काम तो हो गया है फिलहाल, अच्छा हुआ, बढ़िया, जैसा मैं चाह रही थी वैसा हुआ है, पर वही है कि थोड़ी सी इसकी जो चौड़ाई है ना, ये बैठने वाला ठीक है, पर वो मेरा काम जो है ना, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि उस साइड का मैंने एक सोफ़ा है, तो एक साइज़ का सोफ़ा जो है ना, वो सोने वाला जो होता है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा वाला, तो वो बनवाया, तो उस वजह से मुझे कोई मलाल नहीं रह गया इस बात का कि मेरा सोफ़ा जैसा मैं चाहती थी नहीं बन पाया, तो इसने मेरी कमी को पूरा कर दिया। तो फ्रेंड यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, अभी तो कुशन आने वाला है, तो कुशन आएगा ऐड करूँगी, उसके बाद में बहुत, मतलब बाद में मैं आपको पूरा इसका रिव्यू दूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।